हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो यह है मेरी छोटी सिस्टर सहर, जिन्होंने मुझे देख देख के ब्लॉगिंग करने का सोच लिया कि मैं भी करती हूँ। इन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई, करो करो ब्लॉगिंग करो और अल्पाक इसको भी कामयाब करो। तो आपने इसके चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करना है। इसका चैनल का नाम है सहर वर्ल्ड्स ब्लॉग्स। तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आपने लाजमी फॉलो करना है और वहाँ जाकर बताना है कि आप ऐश ब्लॉगिंग की तरफ से आए हैं। प्लीज़ 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 आप लाजमी इसके चैनल पर जाएँ और विज़िट करें और इसको सब्सक्राइब करें। मैं आई थी अम्मी के घर क्योंकि पापा को घर देखना था। पापा कब से कह रहे थे कि अम्मी के घर जाना है, घर देखना। उन्होंने न्यू घर शिफ्ट किया है ना, और न्यू घर में शिफ्टिंग की है। तो पापा कब से कह रहे थे, तो आज फ्राइडे था तो पापा ने कहा चलो चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। यहाँ पर आई तो यहाँ पर आलू बुखारे रखे हुए थे। अम्मी बहुत सारे ला कर रखते हैं क्योंकि अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वही खा रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अम्मी को तो इंतहा के पसंद है आलू बुखारे। और उसके बाद अम्मी ने चाय वगैरह बना ली थी, बर्गर ले आई थी और जलेबी ले आई थी क्योंकि पापा लोग को बहुत मीठा पसंद है। और साथ ही रोल थे, बर्गर थे, मतलब ये सब कुछ चीज़ें थी। और यहाँ पे आगे ना अब ये ना मोहम्मद रियान को खिलाएंगे केचप। और इसका रिएक्शन इस कदर अजीब सा था ना, मतलब वो मुँह ही नहीं खोल रहा था। इस टाइम तो उसने खा लिया, उसके बाद देखें हाथ किस तरह से हटा रहे कि नहीं मैंने नहीं खाना। और सहर जब भी इसको कुछ देती थी फ़ौरन से मुंह खोल लेता और खा लेता, पर जैसे ये अपनी फिंगर आगे करते हैं कुछ भी से खिलाते तो खाते ही नहीं, मुंह बंद कर लेता क्योंकि उसको पता चल गया था ये मुझे कुछ अजीब सी चीज़ खिला रहे हैं। और यहाँ पे जनाब जो हैं बहुत मज़े से बैठे हुए थे पापा के गोदी में हाथ रख के, और बहुत बहुत क्यूट लग रहे थे माशाल्लाह। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद रियान जो है 7 मंथ्स के हो गए, और यहाँ पर ये से मैक्रोनी खिला रहे थे। मैंने कहा नहीं 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 खिलाएं, उसके दांत भी नहीं है, उसे मिर्ची लग जाएगी। तो वो बड़े शौक से ना पहले तो मुँह ही नहीं ओपन कर रहे थे। आजकल के बच्चे वैसे ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा समझदार हैं, उन्हें सब समझ आ रही होती कौन क्या कह रहा है कौन क्या कर रहा है, और वो भी समझ रहे होते हैं हाँ ये हमारे साथ फ़न कर रहे हैं, ख़ुद भी वो एंजॉय कर रहे होते हैं। और आप लोग जानते हैं मोहम्मद रियान कौन है, ये मेरे आपी के बेटे हैं छोटे वाले, बड़े वाले अब्दुल रफ़ी हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैंने सोचा मैं बता दूँ। और ये मेरे हस्बैंड के साथ बहुत फ़न कर रहे थे, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये वॉकर में चलते हुए इतने क्यूट लगते हैं, बहुत प्यारे माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं ये। आप लाजमी माशाल्लाह कहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें आप सबसे पहले। माशाल्लाह इधर मेहंदी भी लग रही है, लग रहा है उड़ती हुई तितली यहाँ पर छाप दी इन्होंने या मार के बिठा दी। कुछ तो कर दिया, फाइनल लुक नहीं आया, फाइनल दे दूँ? फाइनल लुक आ जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। ये एक्सपर्ट आई मीन इनका चेहरा नहीं दिखा सकते क्योंकि इनको हम वायरल बगैर प्रमोशन नहीं, इनकी प्रमोशन नहीं कर सकते। सॉरी, हम नहीं चाहते कि हमारी वीडियो से ये वायरल हो जाए। नहीं, हमारी वीडियो से वायरल हो हम नहीं चाहते, हम जलते हैं इनसे। ओहो सही बात है, ये एक्सपर्ट है माशाल्लाह। ये देखिए तितली के बीच में ये जो है ये दाने हो रहे हैं, इसको चिकन पॉप्स निकले हैं। हाँ जी चिकन पॉप्स निकले हैं, खसरा थोड़ा ऊपर से बनाया है, खसरा निकले हैं, चिकन पॉप्स निकली हुई है इसको। चलें आगे चल के दिखाते हैं, थोड़ी सी और रेडी हो जाएगी। आजकल मोहम्मद रियान को पता नहीं कौन सी आदत आ पड़ गई है कि वो बाल खींचता रहता है। तो पहले अम्मी से इतनी ज़्यादा मस्तियाँ कर रहा था, अम्मी के इस तरह से बाल खींच रहा था, ऊपर चढ़ रहा था। और फिर अम्मी ने कहा इनको बुलाया कि आओ बेटा ज़रा बाल तो नीचे करो अपने, तो यहाँ देखें बाल पकड़ लिए, दाढ़ी पकड़ ली। उन्होंने कहा अच्छा पकड़ रहा है ना, बस ठीक है अब तो देखो मैं क्या करता हूँ। तो उसने फ़ौरन से छोड़ दी, तो ऐसा लग रहा था जैसे उसको समझ आ गई है वाकई कि ये क्या कह रहे हैं। और फाइनल लुक ये रहा मेरी मेहंदी का, मैं साथ साथ चाय एंजॉय कर रही थी और मेहंदी भी लगी। मैंने कहा आप लोग को दिखा दूँ, आप ही जो बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाती हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारी मेहंदी लगाती हैं आप ही। और मैं जब भी आती हूँ आप ही लाजमी मेहंदी लगाती हैं मेरे, आज शेयर कर लिया। पिछली बार मैं आपके साथ शेयर नहीं किया था, पिछली बार भी आप ही ने मुझे मेहंदी लगाई थी। वालदा इधर ही है, ये देखें, ये देखें, इनको छेड़ नहीं सकता, खोल नहीं सकता। इनकी वालदा मेरे पे हमला कर देंगी, देख सकते हैं आप। ये देखें, ये
ये दोनों भाई इधर ही हैं, बहनें हैं, भाई हैं, कुछ पता नहीं है। बाकी इनकी वालदा मोहतरमा भी इस तरफ ही हैं, साइड में इनको उड़ना सिखा रही हैं। अपने आप को नज़र आ भी रहे होंगे, हल्के हल्के नहीं आ रहे होंगे। चलें गाइस, गाइस अब चलते हैं ऑफिस। 10 मिनट लेट हो गया हूँ वैसे ही, मैंने बोला अभी थोड़ी सी वीडियो शूट कर लें, वे चलें और कैसे आप लोग ठीक ठाक फीचर्स हैं। माशाल्लाह से ये वाली वीडियो भी हमारी अच्छी जा रही है, हमारे दोस्त, हमारे बहन भाई, हमारे फ्रेंड, हमारे व्यूअर्स सब हमारी वीडियो पर दोबारा से आने लगे हैं, क्योंकि हम भी रोज़ आने लगे हैं। कभी कभार एक आध दिन ऐसा हो जाए नहीं जाते तो प्लीज नाराज मत हो जा करें, थोड़ा सा बिज़ी हो जाते हैं। थोड़ा आपको पता है कितना मुश्किल काम है वीडियो एडिट करना, बनाना, फिर इसको शूट करना सही तरह, कि कोई आवाज़ ना आया तो उसको सही तरह हो, क्योंकि आवाज़ आ ही जाती है इसके। ठीक है अब इंशाल्लाह आपसे मैं फिर अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है टिक टॉक क्रिएटर्स हैं। मैंने कहा था मैं ऑफिस से आने के बाद आपसे ज़रूर मिलूँगा इंशाल्लाह। मैं इनसे मिल लिया हूँ इनसे, मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने ऑफिस आके कपड़े चेंज करने के बाद नमाज़ पढ़ी, नमाज़ जोहर की निकल गई थी तो मैंने घर पे आके नमाज़ पढ़ी। फिर हमारी मोहतरमा ने मुझे खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद मेरे लिए ये तैयार किया हुआ है। ये क्या चीज़ है सर? जूस है, जूस, ओ माय गॉड, जूस है और रूह अफज़ा है ना, रूह अफज़ा। और ये इन्होंने ली हुई है ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी आई नो, ओके ब्लैक कॉफ़ी। मैं ज़रूर मिला आपसे आगे, देखो फिर नहीं बोलना मैं नहीं मिला आपसे, मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे थे ना सब। मजाक कर रहा हूँ भाई, आप लोग हमेशा खुश रहो और हमारे लिए भी दुआ करो, हम आप सब के लिए भी दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मोहतरमा बैठी है हमारे पीछे, कहाँ ये रही, ये बैठी है पीछे। कहाँ हो तुम, धूप आ रही है, इधर आ जाओ। ये यार रही, हाल चल देखो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा मुझे देख के लग रहा होगा मैं कितनी ठीक हूँ। ये अभी सो के उठी हैं, मजाक कर रहा हूँ, सो के उठ चुकी थी। मैंने तो नमाज़ पढ़ ली, आपने पढ़ ली? क्यों पढ़ोगे? कभी ईद के बाद पढ़ूंगी मैं, कभी पढ़ूंगी। कौन सी नमाज़ पढ़ूंगी वैसे बताओ? असर आएगी ना, अभी जोहर की पढ़ ली, जोहर की तो पढ़ ली, असर पढ़ती है ना। कितने बजे पढ़ी थी जोहर? 3 बजे। 3 बजे कौन सी नमाज होती है जोहर? पढ़ सकते हैं ना भाई? अच्छा कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रा, पढ़ सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वाकई पढ़ सकते हैं, मैंने भी पढ़ी है माशाल्लाह। तो मजाक कर रहा हूँ इनसे, और इनके लिए दुआ कीजिए क्योंकि जल्द से जल्द और नमाजी बने, नमाजी पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहें। नमाज हर मुसलमान को नमाजी, आमीन 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 आमीन। जो नमाज़ नहीं पढ़ता उनको भी नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। गिरवान के बटन खुले हुए और माशाल्लाह हम आपसे शाम में मिलेंगे अब टी टाइम में। ओके जी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सॉरी मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, बट आप इसी को लाइक कर दें, कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।